फैशन की लगी होड़, आगे दौड़ पीछे छोड़। ऐसे कैसे संस्कार बच्चों को सिखाएंगे कि फिल्मों में नंगापन गालियों का है चलन, आजादी के नाम पर और क्या दिखाएंगे। दादा दादी नाना नानी खुद ही हुए कहानी, टूट रहे परिवार कैसे तो बचाएंगे। जब बोए हैं बबूल फिर कैसे खिले फूल, जागे नहीं अभी घर बैठ पछताएंगे, जागे नहीं अभी घर बैठ पछताएंगे। और अब मैं अगले कवि को आमंत्रित करता हूं, बल्लभगढ़ से हमारे बीच में यहां पर मोहन शास्त्री जी उपस्थित हुए हैं और बहुत ही ओजस्वी स्वर के कवि हैं और बहुत ही अपने बातों से आपके चेहरों पर मुस्कान लाने का भी दमखम रखते हैं। आप अपनी तालियों से उन्हें आमंत्रित कीजिए, मेरे बड़े भैया प्रिय मोहन शास्त्री जी। कभी इस तरह से लिखा था, बच्चे से बात शुरू की कि बालक तो बालक होते हैं अवतार नहीं होते, बालक तो बालक होते हैं अवतार नहीं होते, बिगड़ जाते हैं वहां बच्चे जहां संस्कार नहीं होते। इतने अच्छे संस्कार इस समाज के लोग अपने बच्चों को दे रहे हैं, एक गर्व की बात है। और बात यहां से कहता हूं कि शब्द सबसे तेरा मां श्रृंगार लिखेंगे, मूलतः देशभक्ति की रचनाएं करता हूं, लेकिन जहां जैसा आदेश मिलता है। हमारे संयोजक महोदय कई बार बहुत सारी बातें कह रहे थे अभी मंच पर, शास्त्री जी ऐसे शास्त्री जी वैसे, भाई साहब एक बार घर पहुंच गया, अब इनकी शक्ल देख लेना और थोड़ा सा बताना कि जवाब सही मिला कि नहीं। एक बार इनके घर पहुंचा, मैंने बच्चे से बेटे से पूछा कि बेटा पापा क्या कर रहे हैं, पता नहीं। मैंने क्या कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं कुछ, जगह नहीं। मैंने कुछ लिख रहे होंगे, जगह नहीं। कोई घर का काम कर रहे होंगे, नहीं। मैंने फिर क्या कर रहे हैं कि पता नहीं, मम्मी के हाथ में चप्पल है, पापा सर खुजा रहे हैं। एक बार जोरदार ताली बजा दो इसके लिए, बड़ी विडंबनाएं होती है सब। और एक दिन इसके घर पहुंच गया भाई, बड़ी समस्या ये होती है कि जब असलियत कुछ होती है और दिखाते कुछ है। मैंने जाकर के दरवाजा खटखटाया, बड़े आदर से जसदीप ने घर पे बुलाया, खाना खिलाया, भाभी जी ने खूब सुंदर बनाया, कहा कि शास्त्री जी दो रोटी और ले लीजिए। मन गया खाया, पहले ही पांच चुका हूं, जगह नहीं खा तो आप दस चुके हैं, पर गिन कौन रहा है। बड़ी विडंबना होती है सर। चलिए कहता हूं कि शब्द शब्द से तेरा मां श्रृंगार लिखेंगे, पाया है जो तुमसे मां आभार लिखेंगे, लिख देंगे हम अमर शहीदों की गाथाएं, प्यार नहीं मनोहार नहीं अंगार लिखेंगे। क्यों, अंगारों पर चलकर ही आजादी पाई जाती है, इसकी खातिर शीश उतरते गोली खाई जाती है, नहीं मुफ्त में पाया जाता है टकसालों से, वीरों ने बख्शा है जिसको ये तो ऐसी थाती है। अंगारों में तपकर ही सोना कुंदन हो पाता है। देश के बड़े गीतकार दादा आलोक बेजान जी का कंठ जब आप सुनेंगे, गीत सुनेंगे तो आप वाह वाह कर उठेंगे, ऐसे महनीय दादा हमारे दीक्षित जी बैठे हैं, खैरवी जी बैठे हैं और सभी महनीय कवि बैठे हुए हैं। हम लोगों ने इनको सुन सुन करके लिखना सीखा कि अंगारों में तपकर ही सोना कुंदन हो पाता है, मस्तक छूले गर माटी तो ये चंदन हो जाता है, देशभक्त वीरों की गाथा जब जब गुंजित होती है, मातृभूमि के चरणों में सबका वंदन। और ऐसे आयोजन संयोजन करने की आवश्यकता क्या है। लोग कहते कि ये कर लेते वो कर लेते, लेकिन आप जैसे लोगों को धन्य है कि आप इस तरह के आयोजन करते हैं। मैंने इस तरह से लिखा कि ऐसे आयोजन करने की आवश्यकता क्या है, वीरों का सम्मान जरूरी है, उनकी एक पहचान जरूरी है, हम तुम रहे या ना रहे लेकिन हिंदुस्तान जरूरी है। और युवा पीढ़ी से कहना चाहता हूं कि चेहरे पर मुस्कान सजा कर रखना तुम, बस इतनी पहचान बना कर रखना तुम, देश हमारा रहे सुरक्षित यूं करना, दिल में हिंदुस्तान बचा कर रखना तुम, दिल में हिंदुस्तान बचा कर रखना तुम। हिंदू हूं या मुस्लिम हूं ना अपनी पहचान लिखूं, हिंदू हूं या मुस्लिम हूं ना अपनी पहचान लिखूं, उर्दू हिंदी कन्नड़ उड़िया जो चाहे जवान लिखूं, लिख लूं गीत गजल कविताएं चाहे जितनी जीवन में, लेकिन यारो सबसे पहले अपना हिंदुस्तान लिखूं, लेकिन यारो अपने सबसे पहले अपना हिंदुस्तान लिखूं। एक दो चार छंद पढ़ता हूं आपके सामने, आइए याद करें उन महान देशभक्तों को जिनकी वजह से हम आज यहां पर बैठे हुए हैं। आप ताल के साथ चलेंगे तो आपको भी अच्छा लगेगा। भारती की वंदना के गीत सदा गाता, इसका मतलब ताली बजाना होता साथ में, नहीं आपको बताना पड़ता है।
भारती की वंदना के गीत सदा गाता रहूं दिल में, बस एक यही मेरे अरमान है, कण कण प्यारा मुझ राष्ट्रीय दुलारा मुझ, एक यही मेरी बस आन बान शान है। वंदे मातरम जिंदाबाद, जन गण मन वाला मेरा राष्ट्र गान है, कोटि कोटि कंठ इसकी करते आराधना, देश की आराधना ही मेरा सम्मान है, देश की आराधना ही सबका सम्मान है। झांकी हिंदुस्तान की, अलवेल जहान की, शहर में कराओ तो मैं भारत वर्ष महान की, भिन्न भिन्न धर्म इसके भिन्न भिन्न जातियां हैं, सबका मन मोहती है बात सम्मान की। होली के है राग रंग, दिवाली की धूमधाम, मीठी मीठी सेवैयां है प्यारे रमजान की, गोपियों के संग में है कान्हा जी का रास रंग, जय बोलो श्री राम संग वीर हनुमान की, जय बोलो श्री राम संग वीर हनुमान की। और मित्रों आइए उन महाराणा प्रताप को याद करें, चेतक की वीरता व राणा जी की सूरता को, हाथ धारे भाले और ढाल को नमन है, मुगलों की नील चैन धील लिए दिन रे, रिपुशी से मंडराते काल को नमन है, जंगलों की खाक छन बन रहे दिन मान, वीरता की बने जो मिसाल को नमन है, जंगलों की खाक छन बन रहे दिन मान, वीरता की बने जो मिसाल को नमन है, देखी नहीं भूख प्यास खाई वाले फूस घास, गर्व से तने आकाश भाल को नमन है, गर्व से तने आकाश भाल को नमन है। और मित्रों आरोप लगता है कि नई पीढ़ी कहीं बिगड़ रही है, लेकिन मैं कुछ छंद कहना चाहता हूं, निश्चित रूप से नई पीढ़ी के अंदर अगर आज संस्कारों की कमी है तो हमारी कमी है, नई पीढ़ी की कमी नहीं है। हमें करना क्या है, आइए एक दो छंद पढ़ता हूं। कैसे थे जवान और कैसी वो जवानियां थी, कभी देश भक्तों की कहानी तो सुनाइए। कैसे थे मुझे तो याद आता है कि एक बार एक माँ अपने बेटे को फोन कर रही है कि बेटा मुझे लगता है कि बहू को लकवा हो गया है। मैंने माँ क्या हुआ कि बेटा माँ का बेटी बहू का मुंह टेढ़ा हो गया है। मैंने कि माँ वो तरह तरह से फोटो ले रही होगी डीपी के लिए। जब ऐसी बातें होती हैं तो सब विडंबना होती है। कैसे थे जवान और कैसी वो जवानियां थी, कभी देश भक्तों की कहानी तो सुनाइए। राजगुरु सुखदेव बिस्मिल भगत की, फांसी वाली जगह वो निशानी तो बताइए। कौन थे आजाद और कैसी वो आजादी थी, कौन थे आजाद और कैसी वो आजादी थी, देशभक्ति वाली वो कहानी तो सुनाइए। बनो जामवंत और खून को जगाओ तो, देशभक्ति वाली वो कहानी तो सुनाइए, देशभक्ति वाली वो कहानी तो सुनाइए। राणा जी का तेज और बल बतलाओगे तो, उनके लहू में भी रवानी जाग जाएगी। जाग बतलाओगे जो वीर भामा शाह जी का, दान पुण्य वाली वो कहानी जाग जाएगी। गौरिल्ला वो युद्ध बतलाओ इन शिवाजी का, आज हम बता देते हैं। मेरे बड़े भाई वशिष्ठ जी बैठे हुए हैं, कितना बड़ा आप लोग काम कर रहे हैं यार, आत्मा खुश हो जाती है। हमको बच्चों को सिखाया जाता था, बच्चों को पढ़ाया जाता था कि बकरी की रस्सी ऐसी थी, क्या हमने कभी उस बात पर ध्यान दिया? राणा जी का तेज और बल बतलाओगे तो, इनके लहू में भी रवानी जाग जाएगी। त्याग बतलाओगे जो वीर भामा शाह जी का, दान पुण्य वाली वो कहानी जाग जाएगी। गौरिल्ला वो युद्ध बतलाओ इन शिवाजी का, माता जी जवाई की निशानी जाग जाएगी। बनो जामवंत जरा इनको जगाओ तो, सोई हुई फिर से जवानी जाग जाएगी, सोई हुई फिर से जवानी जाग जाएगी। और मित्रों बहुत सारी बातें हम इस तरह से कर सकते हैं, समय की एक बाध्यता है। कुछ और मुक्तक आपके बीच में रखता हूं। मातृशक्ति का अगर योगदान हम माने तो मातृशक्ति के चरणों में कुछ मुक्तक रखता हूं। मेरी पदचाप को सुनकर मुझे पहचान लेती है, मेरी हर एक मुश्किल को सदा वो जान लेती है, तपन सूरज की मुझको जब कभी झुलसान लगती है, मेरी माँ अपने आंचल का वो छाता तान लेती है। और एक मुक्तक पढ़ता हूं। जरा से पंख खोलो तो यह आकाश छू लेगी,
अगर आज प्रतीक्षा यहाँ बैठी हुई है, आपके अपने परिवार की बच्ची है, तो कहीं ना कहीं भुवनेश दादा का वो योगदान है कि इस बच्ची को खुलने के लिए पूरा आकाश दे रहे हैं। कहना चाहता हूं, जरा से पंख खोलो तो यह आकाश छू लेगी, लुटाओ ने थोड़ा सा यह विश्वास छू लेगी। समर्पण ही समर्पण है यहाँ बेटी के जीवन में, यह बेटी तुम्हारे दिल के सब एहसास छू लेगी, यह बेटी तुम्हारे दिल के सब एहसास छू लेगी। और मित्रों, किसी मंच से अगर देश के सैनिकों को वंदन नहीं किया जाता है तो मैं समझता हूँ कि वीरों का सम्मान जरूरी है। मैंने अभी कहा तो उन समस्त सैनिकों को नमन करें हम। एक एक इस समय पर आगे के कार्यक्रम की व्यस्तता देखते हुए एक गीत आपके बीच में पढ़ देता हूं, क्योंकि चुनाव का माहौल है और ये इसी माहौल पर लिखा हुआ एक गीत है, हास्य व्यंग का गीत है। अगर आप साथ जुड़ेंगे तो आपको और आनंद आएगा, लेकिन शर्त यही है कि आपको चलना वैसे ही है। सर पर साफा हाथ मूछ पर, आपने देखे होंगे बहुत सारे इस समय पर नेता रूपी महामानव। किसी ने कहा कि भाई नेता की पहचान क्या है, कि भाई एक आम आदमी नेता तो बन सकता है लेकिन नेता एक आम आदमी नहीं बन सकता। सर पर साफा हाथ मूछ पर, नई जूतियां पांव में, लगता है फिर से चुनाव अब आया मेरे गांव में। सर पर साफा हाथ मूछ पर, नई जूतियां पांव में, लगता है फिर से चुनाव अब आया मेरे गांव में। कुछ प्रतीकात्मक नाम लिखे हैं, कोई यहां पर टकरा जाए तो माफ कीजिएगा, मैं फरीदाबाद के लिए लिख रहा हूं, सुनिएगा। रामू की अब चाल बदल गई, हंस हंस कर बतियाता है, रामू की अब चाल बदल गई, हंस हंस कर बतियाता है, बिना बात ही अब तो सबको अपने गले लगाता है। रामू की अब थोड़ा गाइए साथ में, रामू की अब चाल बदल गई, हंस हंस कर बतियाता है, बिना बात ही अब तो सबको अपने गले लगाता है, हुक्का उसका सुलग रहा है, पीपल की उस छांव में, लगता है फिर से चुनाव अब आया मेरे गांव में। और अगला बंद देखिएगा, कहना चाहता हूं, बात बात में गाली देता राम दीन अब भजन करे। बहुत सारे चरित्र आपने देखे होंगे, बात बात में गाली देता राम दीन अब भजन करे, सबको सबके दिल को जीत सके वो तरह तरह के जतन करे। बात बात में गाली देता राम दीन अब भजन करे, सबके दिल को जीत सके वो तरह तरह के यतन करे, लेता है आशी देखे होंगे ऐसे दृश्य, लेता है आशीष सभी के झुककर वो तो पांव में, लगता है फिर से चुनाव अब आया मेरे गांव में। और एक ऐसा दृश्य आपको आनंद आएगा, एक ऐसा करैक्टर भी हम चुनाव के दौरान देखते हैं, देखिएगा। कल्लू मल्लू दोनों देखो सुबह शाम अब मौज करें, जोड़ी होती है, कल्लू मल्लू दोनों देखो सुबह शाम अब मौज करें, चिकन मटन बिरयानी के संग सोम पान की खोज करें। कल्लू मल्लू दोनों देखो मिलकर अब मौज करें, चिकन मटन बिरयानी के संग सोम पान की खोज करें, पांव रखे दिखते हैं उनके कई कई अब नाव में, पांव रखे दिखते हैं उनके कई कई अब नाव में, लगता है फिर से चुनाव अब आया मेरे गांव में। और इस गीत का अंतिम बंद आपकी पूरी जीवंतता के साथ,
चहल पहल हर ओर दिखे अब हंसी ठहाके लगते हैं, ऐसा माहौल होता है हमने देखा बचपन में। और आज भी ग्रामीण संस्कृति के दौरान, ग्रामीण संस्कृति के अंदर चहल पहल और हंसी ठहाके, चहल पहल हर ओर दिखे अब हंसी ठहाके लगते हैं, सबके मन उल्लास भरा है, नव नव सपने जगते हैं। राम धकेली दादी नाची भर कर देखो चाव में, लगता है फिर से चुनाव आया मेरे गांव में। और अंतिम चार पंक्तियां इस उत्साह, इस उमंग, इस हौसले के लिए कि हौसला तुम जो रखोगे वशिष्ठ भाई, हौसला तुम जो रखोगे रास्ते मिल ही जाएंगे, तुम्हारे मुस्कुराने से नजारे मुस्कुराएंगे। यही हिम्मत है जो इंसान को इंसान बनाती है, बढ़ेंगे जो कदम आखिर वो मंजिल पा ही जाएंगे, आखिर वो मंजिल पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।